आप सब कैसे हैं? आज फिर मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की बिरयानी। चलो शुरू करते हैं कि चिकन की बिरयानी कैसे बनती है। देखिए, मैंने 1 किलो चिकन लिया है और धो के साफ कर लिया है। ये देखिए, मैंने 1 किलो चावल लिए थे, अब मैंने इनको भिगो दिए हैं। लगभग इनको आधा घंटा भिगोना है। ये देखिए, 4 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और 4 पोथी मैंने लहसुन के लिए हैं। ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन पीस लिया है। ये देखिए, मैंने छोटी इलायची ले ली है 5, थोड़ी सी लौंग ली है, थोड़ी सी काली मिर्च, सौंफ थोड़ी सी, 2 बड़ी इलायची और जावित्री। ये देखिए, मैंने सारा गरम मसाला ये मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए, मैंने 4 प्याज ले लिए हैं, अब मैं इनको काटूंगी। ये देखिए, मैंने प्याज काट ली है। ये देखिए, मैंने 8-10 मिर्चें ली हैं और उनको काट ली है। ये देखिए, इसमें 4 चम्मच तेल डाल दिए हैं, तेज पत्ता डाल दिया है और दालचीनी डाल दी है। ये देखिए, अब इसमें प्याज डाल दी है, अभी ब्राउन होगी। ये देखिए, मेरी प्याज ब्राउन होने वाली है। मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। अब मैं इसमें डाल दूं अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। अब मैं इसमें डाल हूँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। हम इसे थोड़ी सी 5 मिनट कम आंच पे पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना है। ये देखिए, मेरा चिकन हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला जो मैंने पीसा था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला है। ये देखिए, 4 गिलास पानी डाल दिया है इसमें।
ये देखे पानी में खोल लग चुका है, मैं चावल डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने चावल डाल दी है, जब बन जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। इसको पकाना है आपको 15-20 मिनट। अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत स्पेशल रायता, जो बिरयानी के साथ पिया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है, शायद ही कभी आपने ऐसा रायता पिया होगा। ये देखिए मैंने दही ले ली है, ये देखिए मैंने लाल मिर्च ले ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक, 7-8-10 मैंने काली मिर्च ले ली है, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी मैंने चीनी ले ली है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह मिक्सी में पीस रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीस लेना है। ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया है, ये देखिए मैं मसाला अब दही में मिला रही हूँ। ये देखिए मेरा खट्टा मीठा रायता बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको बिरयानी के साथ पियेंगे, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसको बिरयानी के साथ पिए, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए मेरी बिरयानी बन लग रही है, ये देखिए मैंने इसमें केवड़ा जल डाल दिया था और जर्दे का रंग भी डाल दिया है और मेरी बिरयानी चिकन वाली बनके तैयार हो चुकी है। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना और लाइक भी जरूर ही करना।